Hi students, welcome. In today's physics session, we are going to discuss about the topic reflection and mirror. And this is our second lecture of reflection of light. In first lecture, we are studied about basics of light. So, what is the use of mirror in reflection of light? Mirror ka क्या यूज है और किस तरह मिरर के हेल्प से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसको हम डीप में स्टडी करेंगे. बट पहले हम थोड़ा इसे इंट्रोड्यूस करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस. जो लाइट आकर बाउंस होकर फिर रिटर्न चली जाती है, बैक चली जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स वो उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, उसका पाथ चेंज करती है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए यहाँ पे इस लाइट टॉर्च से एक लाइट आ रही है, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर पे इंसिडेंट होकर वो फिर अपना पाथ चेंज कर रहे, डायरेक्शन चेंज कर रहे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड मिरर, एनी पॉलिश सरफेस दैट एग्जिबिट अ मिरर. एनी पॉलिश, स्मूथ, शाइनी सरफेस होता है वो रिफ्लेक्शन एग्जिबिट करता है, उससे रिफ्लेक्शन होता है. यानी कि मिरर ही नहीं, जो सरफेस स्मूथ शाइनी पॉलिश रो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूजफुल होता है. नॉट ओनली मिरर, जो ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्मूथ शाइनी होते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूजफुल होते, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे मिरर. तो हम आज की क्लास में मिरर के ऊपर स्टडी करेंगे. सो देखिए, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या है? अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट शीट ऑफ ग्लास दैट हैज अ स्मूथ सिल्वर कलर कोटिंग ऑन अ वन साइड. प्लेन मिरर जो कि हमारे घर में होता है, आप हर रोज सुबह स्कूल आने से पहले उसमें अपने आप को देखते हैं, मिरर को, तो होता है प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट शीट ऑफ ग्लास, एक ग्लास का फ्लैट शीट है. देखिए, दिस इज अ फ्लैट शीट ऑफ ग्लास, हैज अ स्मूथ, वो एक स्मूथ है, एंड सिल्वर कलर कोटिंग ऑन अ वन साइड, और उसके वन साइड को सिल्वर से कोट किया जाता है. नॉट ओनली सिल्वर, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज्ड, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर से उसे कोट किया जाता है. ऑफन दिस कोटिंग इज ऑन अ बैक ऑफ द ग्लास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज. और सिल्वर के बाद उस पर रेड कलर की और एक लेयर का कोटिंग किया जाता है, बैक साइड पेंटेड रेड. देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर से तो उससे कोट किया जाता है, और सिल्वर के बाहर का लेयर होता है रेड कलर का, वो क्या करता है उस सिल्वर को, सिल्वर लेयर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. ऑफन दिस कोटिंग इज ऑन बैक ऑफ द ग्लास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, डैमेज होने से उसे प्रोटेक्ट करता है. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर द कोटिंग रिफ्लेक्ट द लाइट. जब मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो जो कोटिंग सरफेस है, कोटेड सरफेस है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. जब लाइट इंसिडेंट होती है तो कोटिंग सरफेस उसे रिफ्लेक्ट करता है. तो इस तरह हमें प्लेन मिरर के हेल्प से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. तो प्लेन मिरर में मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, वो एक ग्लास थिन शीट है, स्मूथ शाइनी, बट उसके एक साइड को सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोट किया जाता है, और उसके ऊपर रेड कलर का कोटिंग होता है, क्योंकि वो डैमेज होने से उसे प्रोटेक्ट करता है. और मोस्टली एक कोटिंग एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है. तो प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर की एक साइड सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोटेड होती है, और उसके बाद उसे रेड कलर से कोट किया जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट होने से उसे डैमेज होने से उसे प्रोटेक्ट करता है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्लेन मिरर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट
बनानी है। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक सिंबल। ऑप्टिक्स मीन्स क्या, ये जो मिरर है उसे, मिरर को ही नहीं, रिफ्लेक्शन और लाइट से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं उसे फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, ऑप्टिक सिंबल। सो इस मिरर का सिंबल क्या है, देखिए दिस इज़ अ मिरर, एक ग्लास शीट है लेकिन उससे सिल्वर से कोट किया गया है और उसके पीछे रेड कलर का कोट किया जाता है। तो एक्चुअल मिरर इस तरह दिखाए गए, ग्लास, दिस इज़ अ ग्लास एंड थिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस साइड से उसे कोट किया जाता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से उसको कोट किया है तो ये होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये है एक्चुअल मिरर। बट साइंटिफिक मिरर फॉर्मूला, उसका सिंबल क्या है, अब हम इसके आगे जो कुछ वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो है उसकी कोटिंग सरफेस, ओपेक साइड, ओपेक साइड जो उसके कोट किया गया है, और जो ए प्लेन साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज ड्रॉ द साइंटिफिक मिरर सिंबल, ड्रॉ द साइंटिफिक मिरर सिंबल, आपको उस मिरर का साइंटिफिक सिंबल ड्रॉ करना है। तो इस क्लास में हमने, इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है, पहले था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कोई भी लाइट किसी प्लेन मिरर पे या किसी स्मूथ शाइनी सरफेस पे आकर इंसिडेंट होती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, उसका पाथ चेंज करती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहीं पर देखते हैं हम, यह एक मिरर है, अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो गई तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज़ ओपेक साइड, ओपेक साइड मीन्स जहाँ से हमने उसे कोट किया है एक साइड से, तो होगा उसका कोटिंग सरफेस, तो यहाँ से लाइट उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट बाउंस होके फिर चली जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने स्टडी किया प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर में क्या था, वो एक थिन स्मूथ शीट ही है, ग्लास शीट, बट उसे एक साइड से हमने एल्यूमिनियम और सिल्वर से कोट किया है और उसके उस लेयर के बाद उसको रेड कलर से कोट किया जाता है, क्योंकि वो उसे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, एल्यूमिनियम और सिल्वर लेयर को और मिरर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट किया जाता है। और फिर हमने स्टडी किया है ऑप्टिक्स का सिंबल, मिरर का सिंबल, और होमवर्क के भी दो क्वेश्चन मैंने दिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्लेन मिरर एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द साइंटिफिक मिरर सिंबल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।